इधर उधर की लच्छेदार बातें बंद कर दीजिए स्मृति जी, आइए डिबेट करिए, मेरे साथ डिबेट करिए। जगह आपकी, मंच आपका, मुद्दा आपका, दिन आपका, वक्त आपका। हमारे शीर्ष नेतृत्व से डिबेट करने का आपका कद नहीं है, आप मेरे साथ ही डिबेट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरी चुनौती आपको दे रही हूँ, अगर चुनौती स्वीकार है तो दिन, समय, एंकर और मुद्दा बता दीजिएगा, पहुंच जाऊंगी। इधर उधर की लच्छेदार बातें बंद कर दीजिए स्मृति जी, आइए डिबेट करिए, मेरे साथ डिबेट करिए। जगह आपकी, मंच आपका, मुद्दा आपका, दिन आपका, वक्त आपका। जिस मुद्दे पर चाहिए, जब चाहिए, जिसके साथ चाहिए, जिस दिन चाहिए, डिबेट करिए मेरे साथ। हमारे शीर्ष नेतृत्व से डिबेट करने का आपका कद नहीं है, आप मेरे साथ ही डिबेट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असलियत यह है कि ना महिलाओं के मुद्दे पर, ना इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर आपका मुंह खुलता है, बस सिर्फ और सिर्फ माला फेरनी है राहुल गांधी के नाम की। असलियत यह है कि आपका जो वजूद की लड़ाई है उस पर डिबेट आप मेरे साथ करिए, इधर उधर की बातें मत करिए। एक खुली चुनौती आपको दे रही हूं, अगर चुनौती स्वीकार है तो दिन, समय, एंकर और मुद्दा बता दीजिएगा, पहुंच जाऊंगी। 100% है। और ये असलियत है कि आप तो कहते हैं चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है। हमारी नेता ने तो अपनी प्राण की आहुति देकर इस देश को बचाए रखा, इंदिरा जी ने। हमारे नेताओं ने तो बलिदान दिया है, उनका खून शामिल है इस मिट्टी में, चाहे वो राजीव जी हो या इंदिरा जी हो। हमारी नेता ने तो विश्व की आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आपने क्या किया, चीन को घर में घुसा कर बैठे हुए हैं, चीन से लगातार व्यापार बढ़ा रहे हैं, चीन को के साथ यथावत स्थिति बरकरार नहीं कर पा रहे अप्रैल 2020 की। बड़ी बड़ी बातें मत छानिए विदेश मंत्री जी, अपनी कमियां, अपनी विफलताएं स्वीकारिए। आपकी नाक के नीचे चीन हमारे यहां अतिक्रमण करके बैठा है, पूरा लद्दाख ये जानता है, पूरा लद्दाख आपसे ये बात कह रहा है।